दोस्तों पंजाब की राजनीति से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़कर अपना दल बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने पार्टी को अब भारतीय जनता पार्टी में विलय करेंगे। इसके साथ ही वे अपने परिवार समेत बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार आई खबर के मुताबिक पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का 19 सितंबर को बीजेपी में आधिकारिक विलय होने वाला है। नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके साथ ही उनके साथ पंजाब के करीब 6 से 7 पुराने विधायक, कैप्टन के बेटे और बेटी समेत उसके नाती और रिश्तेदार भी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। सूत्रों के मुताबिक उनकी बेटी जय इंद्र कौर ने 19 सितंबर को दिल्ली पहुंचने के लिए सभी कार्यकर्ताओं और जो सहयोगी हैं अमरिंदर सिंह के उनको दिल्ली आने का बोला है, जहां पर बीजेपी की सदस्यता लेंगे। आपको बता दें कि कैप्टन पंजाब के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 9.5 साल तक पंजाब में इस पद को संभाला। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।